अगर आपने ग्रैंड आरपी खेला होगा तो ग्रैंड आरपी का कोई कंपटीशन होगा ये जरूर आपके मन में आया होगा, या फिर इससे सिमिलर कोई ना कोई तो एक सर्वर जरूर होगा रीजेएमपी पे, ये जरूर आपने कभी देखा होगा। और आपने जो है वो मैजेस्टिक आरपी का जो है वो नाम सुना भी होगा, या फिर अगर आपको नहीं मालूम मैजेस्टिक आरपी क्या है तो भाई ये भी एक ग्रैंड आरपी की तरह ही है, एक आरपी सर्वर है। लेकिन यार मैजेस्टिक आरपी जो है वो इंग्लिश सर्वर में जो है वो बंद हो चुका है। अब मैजेस्टिक आरपी सिर्फ एक ऐसा कॉम्पिटिशन था ग्रैंड आरपी के लिए जो कि नेक्स्ट ग्रैंड आरपी की जैसे जो है वो प्लेयर बेस बना सकता था इंग्लिश सर्वर में, जैसे कि ग्रैंड आरपी के इंग्लिश सर्वर में भाई 2,000-2,500 से ज्यादा प्लेयर खेलते हैं, वैसे ही ग्रैंड आरपी के उसी के दम पर ग्रैंड आरपी ने जो है वो बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस में सर्वर निकाले। लेकिन मैजेस्टिक आरपी के ऐसे मतलब उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि भाई वो इतना अच्छा सर्वर होने के बावजूद आज उसका जो है वो इंग्लिश सर्वर जो है वो बंद कर दिया गया है। उसके रशियन सर्वर्स और पॉलिश सर्वर्स और डच वाले सर्वर्स जो है वो अभी भी जो है वो एक्टिव है। तो आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। मैं ये सर्वर पर्सनली जो है वो खेल चुका था, लाइक 6 महीने पहले तक ये सर्वर जो है वो इंग्लिश सर्वर काफ़ी अच्छा था और मैंने जो है वो खेला हुआ था। अब मैजेस्टिक के साथ यही एक प्रॉब्लम थी कि उनके जो इंग्लिश सर्वर में है ना मैक्सिमम 40 से 50 बंदे खेलते थे पीक टाइम पे भी, यानी कि जो पीक टाइम होता है जहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो एक्टिव होते हैं, या फिर शाम का टाइम हो गया या फिर जो भी है पीक टाइम एक होता है एक सर्वर का, उस टाइम पे जो है वो उस पे बंदे मैक्सिमम जो है आपको 50 बंदे जो है वो एट अ टाइम जो है वो मिलते थे। लाइक मैं जब 6 महीने पहले इसको खेल रहा था तब जो है वो मैक्सिमम 50 बंदे, और जो है वो हमारे इंडियन टाइम के हिसाब से बात करो तो रात में जो है तो वहाँ पे जो है वो मैक्सिमम 50 बंदे हो जाते थे, और दिन की जब मैं बात करूँ तो मे बी 30 या फिर 15 कभी कभी, तो इस तरह से जो है वो उनका सर्वर जो है वो चल रहा था, राइट। लेकिन एज कम्पेयर टू देयर अदर सर्वर्स जो कि रशियन सर्वर हो गया या फिर जो है वो पॉलिश सर्वर हो गया या फिर कोई और दूसरे लैंग्वेजेस से सर्वर हो गए, उसमें जो है वो काफ़ी अच्छी खासी जो है वो ऑडियंस जो है वो आई हुई थी, लाइक 2,000 प्लेयर्स जो है वो एट अ टाइम उनके सर्वर्स को खेल रहे थे। लेकिन फिर इंग्लिश सर्वर में ऐसा क्यों हो रहा था कि भाई 50 बंदे जो है वो बस इंग्लिश सर्वर खेल रहे थे? सबसे बड़ा रीज़न उसका ये है कि भाई जो मैजेस्टिक आरपी है वो मोस्टली ग्रैंड आरपी को जो है वो कॉपी किया करता था। अब इसका आपको क्या मतलब जो है वो आप बोलेंगे कि भाई ये ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं, लेकिन जो ग्रैंड आरपी जो चीज़ें किया करता था वही जो है वो मैजेस्टिक आरपी भी किया करता था, लाइक डबल एक्स प्रमोशन हो गया या फिर जो है वो डबल एक्स डोनेशन हो गया या फिर जो है वो कोई कार ऐड कर दी, ऐसे जो ग्रैंड आरपी किया करता था वैसे ही जो है वो मैजेस्टिक आरपी भी फॉलो किया करता था। अब मैजेस्टिक आरपी ने मुझे भी अप्रोच किया था फॉर स्पॉन्सरशिप, बट जो अगर देखो एक प्लेटफॉर्म पे अगर दो गेम्स हैं एक ही प्लेटफॉर्म, जैसे रेज एमपी में ये दोनों ये थे सिचुएटेड थे, ग्रैंड आरपी भी और मैजेस्टिक आरपी भी, तो ग्रैंड आरपी के साथ मेरा जो है वो टाई इन था, मेरा उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट था, तो वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में साइन करवा लेते हैं, ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस रख लेते हैं कि भाई अगर आप हमारे साथ काम कर रहे हो तो आप किसी भी दूसरे रेज एमपी के साथ काम नहीं कर सकते, कोई भी दूसरा प्रोजेक्ट, जैसे कि मैं अभी ग्रैंड आरपी के साथ स्पॉन्सरशिप वीडियोज़ बना रहा, तो फिर मैं ही रेज एमपी पे सिर्फ उसी एक ग्रैंड आरपी के वीडियोज़ मैं बना सकता हूँ, बाकी कोई भी प्रोजेक्ट पे मैं जो है वो वीडियोज़ नहीं बना सकता। तो इस तरह से कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, हर एक कॉन्ट्रैक्ट में होती है, ये आपको जो है ये टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती है, राइट। तो इसका एक मतलब बहुत बड़ा कारण ये था कि ग्रैंड आरपी को जो है ना वो काफी अच्छे जो है वो इन्फ्लुएंसर्स मिल गए, कंटेंट क्रिएटर्स मिल गए, और वो उन्होंने जो है वो बहुत जल्दी जल्दी जो है उनको बैक करना स्टार्ट कर दिया, उनको जो है वो अपनी तरफ लेना स्टार्ट कर दिया, अच्छे खासे पैसे देने स्टार्ट कर दिया, और जिसके कारण जो है मोस्ट ऑफ द हमारे जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं इंडिया में वो जो है वो ग्रैंड आरपी के साथ जो है वो डील में आ गए। जहां तक बात है मैजेस्टिक आरपी की, तो मैजेस्टिक आरपी ने ये बहुत ज्यादा लेट स्टार्ट किया, लाइक ग्रैंड आरपी की सक्सेस जो है वो मोस्टली जो है वो इंडिया से स्टार्ट हुई थी, लाइक बहुत सारे इंडियंस आपको ग्रैंड आरपी में मिलेंगे। मैजेस्टिक आरपी ने ये नोटिस किया कि भाई इंडियन क्रिएटर्स जो है वो मतलब इंडियन जो प्लेयर्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है इस तरह के जो है वो गाड़ियाँ या फिर जो है इस तरह के सर्वर्स में, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा लेट स्टार्ट किया इन क्रिएटर्स को अप्रोच करने में, और मुझे जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब मैं ऑलमोस्ट 7 महीने काम कर चुका था ग्रैंड आरपी के साथ, और उसके बाद मुझे इन्होंने अप्रोच किया कि भाई क्या आप हमारे सर्वर को जो है वो प्रमोट कर सकते हो, हमारे सर्वर को जो है वो वीडियोज़ बना सकते हो। तो उसके बाद जो है वो अनफॉर्चुनेटली मुझे जो ही कहना पड़ा, बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी इन ग्रैंड आरपीज कॉन्ट्रैक्ट, सो वो मैं टर्मिनेट नहीं कर सकता था, राइट, ऐसे ही मैं ब्रीच नहीं कर सकता था उसको, सो ये एक बहुत बड़ा कारण था। फिर उसके बाद जो है वो लैक ऑफ जो है वो जो हम बोलते हैं ना कम्युनिकेशन वो हो गया। ग्रैंड जो मैजेस्टिक आरपी है वो दूसरे सर्वर्स पे तो बहुत ज़्यादा ध्यान दिया करता था, लेकिन जो उनका इंग्लिश सर्वर था उस पे ऑडियंस कम हुआ करती थी, इसकी वजह से जो भी ऑडियंस है उनको मैजेस्टिक आरपी जो है वो मोस्टली इग्नोर किया करता था, लाइक एडमिन सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा घटिया था, कोई किसी को भी मार रहा है, कोई भी आरडीएम कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, भाई मतलब
तहलका मचा हुआ था। लेकिन अगर आप उनके दूसरे सर्वर्स की बात करें, अगर आप वहां पे ऐसे कुछ करते हो तो भाई आपको सीधा जो है वो एक्शन लिया जाता था। वैसे ही ग्रैंड आरपी के साथ अगर हम कंपेयर करें तो भाई ग्रैंड आरपी का जो कोई भी सर्वर उठा लो आप, उसमें जो है वो एडमिन सपोर्ट काफी ज्यादा अच्छा है। लाइक आपको जो है वो तुरंत जो है वो आपकी जो, अगर आपको कोई आरडीएम कर रहा है, आपको कोई जो रूल्स तोड़ रहा है सर्वर के, तो वो आप जो है वो सीधा सॉर्ट आउट कर सकते हो। उनका एडमिन सपोर्ट भी काफी अच्छा है, उनका जो है वो टेक्निकल टीम भी काफी मतलब बढ़िया थी, उनका फोरम काफी ज्यादा सॉर्टेड था। लेकिन मैजेस्टिक आरपी के इसमें ये सारी चीजें जो नहीं मतलब ये वर्क नहीं कर रहा था उनके लिए। आज भी अगर आप मैजेस्टिक की जो है वो साइट ओपन करके देखो तो वहाँ पे बस आपको दो ही सर्वर्स मिलेंगे, एक है डच और एक है पॉलिश वाला सर्वर। उसमें जो है वो काफ़ी डिसेंट अमाउंट ऑफ प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, और रशियन सर्वर भी है उनका जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सर्वर है। उसमें जो है वो मैंने पीक टाइम पे देखे कि 2000 से ज़्यादा बंदे जो है उस सर्वर को खेल रहे थे। लेकिन बात वहीं पर आती है कि भाई उनको जो है वो इंग्लिश सर्वर बंद करना पड़ा। सबसे पहले तो मैंने आपको रीज़न बता दिया था कि वो सारी चीज़ें जो है वो कॉपी क्या करते थे। दूसरी बात यह है कि भाई उनका जो है वो सपोर्ट अच्छा नहीं था। तीसरी बात यह है कि भाई इतने छोटी कम्युनिटी को एक सर्वर पे जो है वो ये नहीं कर सकते थे। लाइक एक 50 बंदों के प्लेयर के लिए एक पूरा सर्वर मैनेज करना, ये उनके लिए भाई महंगा भी पड़ रहा था और टाइम वेस्ट भी, मतलब आप कह सकते हो अगर वहाँ पे जो है वो प्लेयर्स आ ही नहीं रहे हैं तो क्या फ़ायदा उस सर्वर को जो है वो ऑनलाइन रख के। और उसमें जो है वो जितना खर्चा वर्चा वो लगता था वो उनका जो है वेस्ट हो रहा था। और उन्होंने जो है वो फाइनली डिसीजन ले लिया था कि भाई हम इस सर्वर को जो है वो बंद करने वाले हैं। फिलहाल जो है वो ये काफ़ी बढ़िया सर्वर था, अगर आप इसके मतलब कॉम्पिटिशन की बात करें ग्रैंड आरपी के तो उसी के लेवल का था। बस इसकी जो करेंसी जो है वो थोड़ी सी लगी पड़ी थी करेंसी के, इसकी थोड़ा सा वो इंप्रूवमेंट कर सकते थे करेंसी में, मे बी इसके वजह से जो है वो प्लेयर्स जो है वो आ सकते थे। एक और ये रीज़न है कि भाई इसकी करेंसी जो है वो इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए मे बी जो है वो प्लेयर्स इसको ज्वाइन नहीं किया करते थे। और लैक ऑफ जो है वो पॉपुलैरिटी वो भी हो गया, क्योंकि प्रमोशन जो करना, जो एडवर्टाइजमेंट करना, ये सब जो है वो कंपनी के हाथ में होता है वो किस तरह से जो है वो अप्रोच करते हैं। और ग्रैंड आरपी ने इसका बहुत ही बड़ा एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है। उन्होंने भाई जितना उनके पास टाइम था रॉकस्टार के जो है वो पैच लगने से पहले, उतना जो है उन्होंने अप्रोच किया कंटेंट क्रिएटर्स को, उन्होंने पॉपुलराइज किया उनका सर्वर। और आज देखो उनके सर्वर में जो है वो अभी भी जो है वो 1000-1500 बंदे जो है वो रोज खेलते हुए रहते हैं। सो ये बहुत बड़ी सक्सेस हो गई थी ग्रैंड आरपी के लिए। और मैजेस्टिक आरपी भाई कहूँ तो यार काफ़ी अच्छा सर्वर था यार, बट अनफॉर्चुनेटली एट द एंड ऑफ द डे उनको जो है वो सर्वर जो है वो बंद ही करना पड़ा। अगर आप खेलना चाहते हैं इसको तो आप पॉलिश सर्वर या फिर डच सर्वर या फिर रशियन सर्वर में जाके जो है वो रीजम्पी में इसको जो है वो ट्राई कर सकते हो। काफ़ी अच्छा है बट आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि वो सारी लैंग्वेज जो है वो फॉरन लैंग्वेज में होगा सब कुछ। और मैंने जो है वो मैजेस्टिक आरपी के बंदों से बात भी की थी कि भाई आपका सर्वर बंद क्यों हो गया था, तो उन्होंने कोई प्रॉपर ऐसा रीज़न दिया नहीं, बस बोला कि भाई हाँ बंद हो गया था। मैंने बोला उनको कि मैं 2-3 महीने पहले तो खेल रहा था, लेकिन ऐसा क्या हो गया, तो उन्होंने मुझे कोई रीजन दिया नहीं, बस बोला कि भाई बंद हो गया। सो मैंने कुछ ज्यादा पूछा भी नहीं आगे। सो दैट्स इट गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको ग्रैंड आरपी जैसे और भी सर्वर्स खेलने हैं तो मैं उसके ऊपर भी एक बहुत जल्दी वीडियो ला रहा हूं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो ताकि आपको ऐसी वीडियोस जो है वो मिलती रहे इन द फ्यूचर। मिलते हैं गाइस आपसे अगली वीडियो में।